ओके तो डिफेंस स्पेस में आज एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट खबरों में सरकार ने चीन से होने वाले इम्पोर्ट होने वाले स्टील पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का संकेत दिए हैं। भारी उद्योग मंत्री ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन से भारत में स्टील की डंपिंग चिंताजनक है और घरेलू स्टील इंडस्ट्री को राहत देने के लिए पीएमओ और वित्त मंत्रालय से बातचीत करेंगे। They are suffering, our Indian steel manufacturers. Another side, China's dumping huge quantity. They are facing the problem. We have our Prime Minister's vision is by 2030, we have to reach 300 million production actually. For that actually, if you're not going to give some security to our industries, our manufacturers, it will be great difficult. For that actually we have to work. Sir, 7.5% to 12.5 you have spoken about. No, that definitely we will going to convince. इनफैक्ट चीन और दूसरे देशों से हो रहे स्टील डंपिंग पर जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल से विस्तार से बातचीत की हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। चाइना से लगातार डंपिंग की वजह से स्टील इंडस्ट्री काफी परेशान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल हमारे साथ हैं। सर, सरकार से लगातार आप लोग संपर्क में हैं कि स्टील पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए, किस तरह से मांग चल रही है और क्या अभी तक स्टेटस है? देखिए, हमारी मांग है क्योंकि कुछ देश चाइना, कोरिया, वियतनाम, जापान से भी बहुत अधिक मात्रा में, पहले के मुकाबले बहुत अधिक मात्रा में स्टील का आयात हो रहा है और वो जो आयात हो रहा है वो बहुत कम दामों पर हो रहा है। ये सभी कंट्रीज़, इनके अंदर जो कंपनियां हैं वो अपने घरेलू बाज़ार को बचा के रखने के लिए वहाँ तो महंगा बेचते हैं और जो सस्ता माल है, सस्ता माल को वहाँ वो इंडिया में डंपिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की के उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम अपने बात अपने देश के स्टील उद्योग की बात करें तो हमारे देश के स्टील उद्योग जो है वो लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे देश की स्टील इंडस्ट्री वो बिजली को भी सब्सिडाइज करती है, ज़्यादा दाम में बिजली खरीदती है ताकि बाकी लोगों को बिजली सस्ती मिल सके। रेलवे के भाड़े हम ज़्यादा पे करते हैं ताकि पैसेंजर्स को क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सके। इसी तरह से जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, कोयला है, वो सबसे दुनिया में सबसे अधिक रॉयल्टी भारत में हम पे करते हैं। उसके अलावा जो मिनरल्स अभी ऑक्शन में लिए हैं सभी स्टील कंपनियों ने, उसको 100% प्रीमियम के ऊपर भी दिया गया है। तो इसलिए, और इनकम टैक्स अगर कमाई होती है तो हमारी कंपनियां इनकम टैक्स भी देती है। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टील का निर्माता है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसको बचा के रखना ताकि हम और बढ़ सकें, और जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम आज 180 मिलियन टन स्टील बना रहे हैं और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हैं, और 2030 तक हम इसको 300 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी हो जिसके अंदर करोड़ों लोग इसमें काम करेंगे, और पूरे देश को बनाने के लिए, पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए उसके अंदर स्टील की एक बहुत अहम भूमिका है। इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्टील उद्योग को, हम इसको बचा के रखें, इसको मजबूत करें, और आगे आने वाले टाइम में हम अपने CO2 एमिशंस को भी हम कम करना चाहते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए भी उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो अगर कंपनियां कमाएंगी तभी वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम स्टील इंडस्ट्री जो हमारी बहुत मजबूत है, हम बहुत एफिशिएंट प्लेयर्स हैं, इसको अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से हम बचाएं। तो खास तौर से ना केवल चीन बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से स्टील की डंपिंग हो रही है, और उसके ऊपर आप जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल साहब को सुन रहे थे किस तरह से एक इम्पैक्ट इंडियन स्टील इंडस्ट्री के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और शेयर, कुछ और अहम खबरें, खास तौर से फेम 1 और फेम 2 को लेकर या फेम 3 को लेकर, इन सब पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पर।